नमस्कार जैन साथियों, मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथियों, नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर कल हमने 23 जनवरी को राजधानी जयपुर में हेरिटेज मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया था और मैंने पहले आप सभी को बोला भी था, पहले दिन आह्वान किया था कि आप सभी साथी जयपुर जरूर पधारें, या जो जयपुर के हैं आसपास के बहुत सारे लोग रहते हैं यार, तो आप जरूर आए, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या बल में वह एकत्रित हो। देखो, जब कोई वीडियो डालते हैं, कोई वैकेंसी नहीं आती है, तो आप लोग ऐसे कॉल करते हो, मैसेज कर देते हो कि सर भर्ती नहीं हो रही है, धरना नहीं दिया जा रहा है, हम आएंगे सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन आप लोग ऐसे बोल दे कि सपना चौधरी आई है डांस करने के लिए, तो आप लाखों की हजारों की तादाद में भीड़ वहां एकत्रित हो जाती है, लेकिन अच्छे काम के लिए कोई व्यक्ति आगे नहीं आता। तो आप लोग आए ही नहीं वहां पर, और कमेंट यहां पर आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप सबको पता है आप आए या नहीं आए। ठीक है, मैंने आपसे सभी से रिक्वेस्ट की थी आप जरूर पधारे, लेकिन आप लोग नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कल हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहा और एक सफल धरना प्रदर्शन हुआ। मैं जब वीडियो बनाता हूं तो सभी साथी मुझे बोलते हैं कि सर आप हमें बोल रहे हो और लेकिन आप खुद नहीं जाते हो, तो मैं खुद गया कल धरने प्रदर्शन में। आप सभी को पता है वहां स्टडी एग्जाम एकेडमी अपने यूट्यूब चैनल पर मैं लाइव भी वहां पर रहे थे, 20 मिनट तक लाइव भी चले थे। और फाइनली कल धरना हुआ, उसमें मीटिंग क्या हुई, मीटिंग हुई, उसमें फैसला क्या हुआ, एक बहुत ही शानदार फैसला यहां पर लिया गया। जो आपके भर्ती का इंतजार था वो समाप्त हो चुका है, अब आप निश्चिंत रहे, आप चाहे धरने प्रदर्शन में आए या ना आए, और भी बहुत सारे लोग हैं और उनकी सबकी मदद से जो अध्यक्ष है सफाई श्रमिक संघ के दीपक जी डंडोरिया साहब, उनका उनके भी सहयोग से फाइनली आप सभी को यहाँ पर एक गुड न्यूज में देना चाहता हूं। देखो, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, प्रेस विज्ञप्ति एक आ चुकी है यहाँ पर। 23 जनवरी 2024 को संयुक्त वाल्मीकि और सफाई श्रमिक संघ के आह्वान पर हेरिटेज निगम जयपुर में संपूर्ण राजस्थान के सफाई जो कर्मचारी संगठनों के जो प्रतिनिधि गण है, जयपुर शहर के सफाई कर्मचारियों की हजारों की संख्या में कर्मचारियों की कल मीटिंग हुई। इसमें 24 जनवरी 2024 से हड़ताल की ओर अग्रसर होने थे, यानी आज हम पुनः हड़ताल यहां पर करने थे, परंतु आज निदेशक इसके अलावा स्थानीय एवं संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ प्रतिनिधि मंडल यूनियन भर्ती प्रारंभ करने की मांग पर एक निर्णय लिया गया कि 6 फरवरी 2024 तक सफाई कर्मचारी भर्ती प्रारंभ कर दी जाएगी। तो फिलहाल फाइनली विभाग के अधिकारी वहां आए और उन्होंने आश्वासन दिया है और पूर्णतः यहां पर बोल दिया कि भाई 6 फरवरी से पहले पहले भर्ती प्रारंभ हो जाएगी। और मैं देखो, मेरा मैं आज पिछले 8 साल का इतिहास है, आज तक किसी भी धरने प्रदर्शन में किसी भी भर्ती प्रक्रिया को लेकर मैं आज तक कहीं पर भी कभी भी गया हूं तो उसका काम 100% होता है, और आज मैं पहली बार यहां पर आया और अपना काम हो गया। और आपको 6 फरवरी से पहले पहले शुरू हो जाएगी, तो आप निश्चित रहें 1 फरवरी से ही सफाई कर्मचारी के फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे वापस। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी। दिनांक 6 फरवरी 2024 से प्रारंभ होने की मांग पूर्ण होने के कारण 24 जनवरी 2024 से होने वाली सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को अब स्थगित कर दिया गया, अब आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, सफाई कर्मचारी वो यथावत अपना कार्य जारी रखेंगे। अतः यूनियन की खबर को आप सभी ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, भाई मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा। देखो हुआ क्या था कल आंदोलन में, हुआ क्या उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जितने भी सफाई कर्मचारी है, अधिकारी गण है जो सफाई कर रहे हैं अभी पहले से, उन सभी ने भी काम छोड़कर धरने प्रदर्शन पर बैठ गए थे, हड़ताल पर बैठे थे और पूरे दिन अपनी हड़ताल चली थी। फाइनली विभाग के अधिकारी वगैरह और मुख्यमंत्री जो भजनलाल जी शर्मा है, उन्होंने भी अपना एक नुमाइंदा एक व्यक्ति भेजा और यहाँ पर पूर्ण आश्वासन दिया उन्होंने कि भाई आपकी भर्ती की मांग को हमारे तक पहुंच चुकी है और हमने विभाग को भी आदेश दे दिया है, विभाग के भी लोग है कि हम तक आदेश पहुंच चुका है और 6 फरवरी से पहले पहले भर्ती प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी, यानी 1 फरवरी से ही आपकी भर्ती प्रक्रिया वो निश्चित रहेगी, शुरू होने की संभावना है। एक अपनी मांग ये भी थी कि इसके अंदर देखो, एक पहले एक न्यूज आई थी कि इसके अंदर पहले पेपर होगा, परीक्षा होगी। तो यहां पर देखो, जितने भी कल मैंने देखा था स्थिति, जितने भी सफाई कर्मचारी है या जो जिन्होंने नया फॉर्म भरा है, उनकी मैंने हालत देखी कि बेचारे अनपढ़ है, किस क्या हालत है उनकी है। तो इसलिए वो लोग भी
पेपर दे ही नहीं सकते, अनपढ़ों की भर्ती है, अब अनपढ़ कैसे पेपर देगा, पेपर देता तो और भी कोई नौकरी लग जाता, सफाई कर्मचारी का काम ही क्यों करता, सफाई का कार्य क्यों करता, है ना। इसलिए इस भर्ती में अभी पेपर भी नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे सर इसमें परीक्षा होगी पेपर होगा, कि पेपर नहीं होगा, लेकिन कल ये मांग यहां पर विभाग ने रखी कि भाई हम प्रैक्टिकल लेंगे और इंटरव्यू लेंगे। प्रैक्टिकल में पूरा नॉलेज होना चाहिए, जिस व्यक्ति को जिस स्टूडेंट को पूरा यहां पर नॉलेज होगा प्रैक्टिकल का, सफाई का, और इसके अलावा इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, उसके बाद आपको यहां पर भर्ती किया जाएगा। वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दें, इसके लिए भी कल प्रयास किया गया, क्योंकि ज्यादातर लोग वाल्मीकि समाज के वहां पर थे जिन्होंने यहां पर प्रयास किया, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है कि भाई वाल्मीकि समाज को ही ज्यादा लिया जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। पहले वाला जो कांग्रेस का सिस्टम था कि बाकी जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसी तरह से इस भर्ती को करवाया जाए, तो फाइनली अभी यही फैसला हुआ है। और आपका कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। यदि आप सफाई कर्मचारी की ईबुक लेना चाहते हैं या उसका पूरा कोर्स लेना चाहते हैं प्रैक्टिकल और इंटरव्यू का, तो स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके वहां से आप ले सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद।